कांग्रेस के राज में एक और सवाल था कि असम और देश की शान, यहां राइनो को कांग्रेस द्वारा पाले पोसे शिकारी गिरोहों से कैसे बचाया जाएगा। मुझे बताइए, राइनो को बचाना ये सवाल था कि नहीं था? हम सबकी चिंता का विषय था कि नहीं था? मैं जब जब इस क्षेत्र में आया, इस विषय की चर्चा हुई कि नहीं हुई? यहां भाजपा के एनडीए की सरकार ने राइनो के दुश्मन शिकारियों को जेल के पीछे पहुंचाया है। कांग्रेस जिन अवैध कब्जाधारियों को प्रोत्साहन देती थी, उनसे भी काजीरंगा को मुक्त कर दिया है। साथियों, हमारी सरकार जानवरों की सुरक्षा और सामान्य मानवीय की सुविधा दोनों को प्राथमिकता देते हुए काम कर रही है, और इसलिए गोहपुर से नुमालीगढ़ के लिए ब्रह्मपुत्र के ऊपर ब्रिज और बाईपास बनाकर कनेक्टिविटी देने का प्रयास चल रहा है। इससे अपर आसाम की गुवाहाटी के साथ 4 लेन कनेक्टिविटी सुनिश्चित हो सकेगी। भाई और बहनों, काजीरंगा सहित हमारे तमाम अभ्यारण्य, हमारे वन क्षेत्र हमारी धरोहर भी है, पर्यावरण के प्रति हमारी जिम्मेदारी भी है और रोजी रोटी का साधन भी है। मुझे खुशी है कि बीते 5 साल में असम में वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है। जब असम ज्यादा हरा भरा होता है तो यहां टूरिज्म के लिए, रोजगार के लिए संभावनाएं बढ़ जाती है। हमारी सरकार की कोशिश है कि भारत दुनिया में प्राकृतिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और धरोहरों से जुड़े टूरिज्म से अग्रणी देशों में शामिल हो जाए। असम के पास ये सब कुछ मौजूद है। असम की भाषा, बोली, संस्कृति, खान पान, वेशभूषा, असम के मेले, त्योहार, ये सब हर हिंदुस्तानी का गर्व है, हर हिंदुस्तानी को अभिमान करना चाहिए। ऐसी विरासत आपके पास है। ऐसे में असम दर्शन के तहत 9000 से ज्यादा सत्रों, नामघरों और आस्था से जुड़े दूसरे स्थानों में इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने का काम भी मैं हृदय से यहां के राज्य सरकार को बधाई देता हूं, भाजपा एनडीए सरकार को बधाई देता हूं कि इतना बड़ा निर्णय करके यहां की विरासत को उन्होंने शानदार, जानदार बनाने का प्रयास किया है। भाइयों और बहनों, ये गोलाघाट जिला, ये तो असमिया इतिहास और संस्कृति का एक स्वर्णिम पृष्ठ है। इस क्षेत्र ने स्वर्ग देव चावलुंग चुकामा और सती साधनी जैसे अनेक प्रेरक विभूतियां हमें दी है। इस मिट्टी ने आयदेव हेदिक और मोहिनी राजकुमारी जी के रूप में असमिया कला के साधक हमें दी है। इस धरती ने बेजा बौरी, कमला मिरी जैसे स्वतंत्र सेनानी देश को दिए। इस तरह ने असम को, भारत को बाहरी आक्रांताओं से बचाने वाले देश की महान संतानों में से एक अहम गौरव के प्रतीक लचित बोरफुकन की शौर्य परंपरा हमें दी है। भाई और बहनों, ये अटल जी की एनडीए सरकारी थी जब नेशनल डिफेंस एकेडमी में लचित बोरफुकन जी के नाम से गोल्ड मेडल देने का सिलसिला शुरू हुआ। असम की सरकार ने भी उनके जन्म दिवस को पूरे प्रदेश में धूमधाम से मनाने का फैसला किया है। साथियों, सिर्फ नाम को ही नहीं बल्कि हमारी सरकार अपने काम से भी लचित बोरफुकन जी के सपने को पूरा कर रही थी। लचित बोरफुकन जी की मिलिट्री स्ट्रेटेजी स्वदेशी थी, आत्मनिर्भर थी। उन्होंने ब्रह्मपुत्र की जल शक्ति का अपनी सैन्य ताकत के रूप में उपयोग किया। आज भारत भी सैन्य साजो सामान के मामले में आत्मनिर्भर होने की राह पर चल रहा है। आज हम देश के नदी जलमार्गों को भी भारत के आर्थिक समृद्धि के कॉरिडोर्स के रूप में विकसित कर रहे हैं।
इसमें से असम में भी बहुत बड़े नदी जलमार्गों पर काम चल रहा है। भाई और बहनों, असम की एक और बहुत बड़ी ताकत है पेट्रोलियम और इससे जुड़े उद्योग। लेकिन दशकों तक कांग्रेस असम के इस सामर्थ्य पर भी बैठी रही। बीते 6 साल में सिर्फ ऑयल एंड गैस के सेक्टर में ही असम में 40,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया गया है। 40,000 करोड़ रुपए से अधिक। आज असम से होकर एक गुवाहाटी बरौनी नेचुरल गैस पाइपलाइन जा रही है। इस पाइपलाइन से असम के भी अनेक घरों में पाइप से सस्ती गैस पहुंचेगी। सीएनजी आधारित ट्रांसपोर्ट सुविधा तैयार होगी और उद्योगों को पर्याप्त गैस उपलब्ध हो पाएगी।